ऐसा मेरी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका परिचय? मेरा नाम श्वेता सिंह उमा, मॉस्को रूस से आई हूँ और यहाँ आई थी एक इवेंट के लिए और लकीली आज आपके इस इनॉग्रेशन में आने का मौका मिला। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड इंडिया आके हमेशा अच्छा लगता है और अच्छे इवेंट से जुड़ना हमेशा अच्छा लगता है, तो मैं अपने तरफ से और पूरे अपने रशिया के सारे फ्रेंड्स की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट कहती हूँ। और आपको कल अवार्ड भी मिला है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हिंदी दिवस के बारे में? जी जी बिल्कुल, वो बहुत बड़ा अवार्ड है हमारे लिए, बहुत बड़ा सम्मान है और हम वहाँ हिंदी का ही काम कर रहे हैं। भारत से बाहर है तो हम भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको अपने मॉस्को की बात बताऊँ, वहाँ पे वॉइस ऑफ मॉस्को नाम से मेरी एक संस्था है जो कि रशियन बच्चों को इंडियन कल्चर से जोड़ती है, उनको हिंदी सिखाती है, इंडियन डांस सिखाती है, इंडियन फूड, इंडियन कल्चर। आई एम फैशन डिज़ाइनर, स्टाइलिस्ट और कल्चर आर्टिस्ट हूँ, तो मैं अपने कल्चर को वहाँ प्रमोट करती हूँ और वही हमारा काम देख करके इन्होंने हमें यहाँ ऑनर करने के लिए बुलाया है। तो इसके लिए मैं सबको, पूरे इंडिया को थैंक यू बोलती हूँ कि हमें इतना वार्म वेलकम मिला। एंड थैंक यू ऑल फॉर दिस। केशव जी के बारे में क्या कहना है? केशव जी इंडिया बुलाना। सुपर। उन्होंने जिस तरीके की वजह से हम आज यहाँ हैं। जी जी केशव जी ने बहुत बहुत ही कमाल से सबको जोड़ के बहुत जोड़े, बहुत ही अच्छे और नेक इंसान है। थैंक यू केशव जी। थैंक यू केशव। चाहिए आप विदेशों से आप गेस्ट लेकर आए यहाँ पर और जिस पार्टी में पहुँचे हैं, कल आपने अवार्ड से सम्मानित किया उनको। ये देखिए, कल हिंदी दिवस था और इसलिए 5 देशों के अतिथि आए थे, जिसमें अभी आपने 3 से बात की है। और बेल्जियम से कपिल कुमार जी हैं जो पूरे विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार में अग्रणी भूमिका है और रॉक स्टार चिंतन बाकीवाला हैं, कई फिल्मों में गाने गा रहे हैं, कई उनके एल्बम हिट हैं। और सर का परिचय तो आपको, और मैं केशव राय हूँ, विश्व हिंदी अकादमी का अध्यक्ष, जो निरंतर ये कार्यक्रम करते हैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। और ये इसलिए होता है कि हिंदी जो बढ़ रही है दुनिया में, वो सिर्फ फिल्मों के माध्यम से बढ़ रही है, गायन के वजह से बढ़ रही है, फिल्में देखते हैं लोग, इसलिए हिंदी सीखते भी। तो अब आप कपिल कुमार जी बेल्जियम से क्या कह रहे हैं? कल आपको अवार्ड से नवाजा गया है। धन्यवाद केशव भाई और विश्व हिंदी अकादमी मुंबई का, ये जिसने मेरे कार्य को सहारा है, कढ़ा है, और इतना ही कह सकता हूँ, छानी है खाक मैंने सारे जहान की, सुनी है गाथा मैंने सिकंदर महान की, पर हिंदी जुबान का मैं तुमसे क्या कहूँ, गई न मुँह से चाशनी मीठी जुबान की। पश्चिम की नुमाइश दौलत भी देख ली, पर गई न दिल से सादगी हिंदुस्तान की। मेरी संस्कृति, मेरा मुल्क, मेरी धरोहर, मेरी भाषा, उससे जुड़ा होना मेरे लिए फख्र की बात है और मैं उन जड़ों से जुड़ने के लिए आया हूँ और कुछ करने के लिए आया हूँ। और आज यहाँ पर आए हैं, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, तो निश्चित रूप से मुंबई में ये यहाँ पर फिल्म स्टार्स तो आते ही, आने वाले दिनों में और यहाँ पर आएंगे। यहाँ की जो व्यवस्थाएँ, सुविधाएँ, जो सर्विस है, बहुत अच्छी है। और सर ने बेल्जियम में भी खाना खाया है, यहाँ भी खाया है, पापलोन पार्क। हाँ, मैं पहली बार आया हूँ और जो फूड, जो पनीर इन्होंने टिक्का और मतलब जो फूड खा रहा हूँ, इट्स वेरी नाइस, अमेजिंग। और मैं बधाई इनको, बधाई, अरे बहुत बहुत बधाई आपको, एक अच्छे बार, एक अच्छी सर्विस के लिए। और मैं समझता हूँ कि एक कामयाब काफ़ी और एक कामयाब रेस्टोरेंट के लिए सर्विस और क्वालिटी ज़रूरी है। मुझे लगा कि अभी तक जो मैंने देखा है तो वो बहुत अच्छी है। धन्यवाद। केशव जी आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम सभी को नमस्कार, प्रणाम, वंदन। और जैसा कि केशव भैया ने बताया कि 14 सितंबर हिंदी दिवस होता है और हमारे लिए फख्र की और गर्व की बात होती है हमारी भारत की भाषा के बारे में बात कुछ करने के लिए। और ये बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा केशव राय साहब को, जो हिंदी की भाषा को, हिंदी भाषा से ओतप्रोत होकर आगे उसको एक बढ़ाने का यज्ञ और हवन आपने कर रखा है। और मैंने करीब 2 गीत तो केशव जी के माध्यम से हाल के अभी कुछ 1-2 सालों में गाए, जिसमें कि राज्यपाल जी ने भी विमोचन किया, और 15 गीत और हिंदी भाषा में गा रखे, जिसकी कि 2 गीतों का कल परफॉर्मेंस जुहू इस्कॉन ऑडिटोरियम में दिया था, सब लोगों ने बेहद पसंद किया। तो मैं भी कहीं ना कहीं इस तरह से केशव जी और हमारी हिंदी भाषा भाषी के साथ में मैं जुड़ा हूँ, जो आने आने वाले समय में ये हिंदी गीत
आप सबके सामने ऑडियो और वीडियो के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कल के कार्यक्रम के लिए, और साथ ही सर को जिनका आज ये ओपनिंग है, और बहुत ही स्वादिष्ट हमने व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। आगे उत्तरोत्तर तरक्की करते रहे और उन्नति करते रहे, और वैसे भी बहुत प्राइम लोकेटेड है, तो बहुत बहुत बधाई आपको भी और हमारे कपिल भाई जो बेल्जियम से आए हैं और वहाँ से हिंदी भाषा का संदेशा लाए। तो मैं एक बार यही कहना चाहूँगा, भारत माता की जय। 27 साल पहले कपिल जी फिल्म इंडस्ट्री में फाइनेंस किया करते थे, अब इनको दोबारा ये फिल्में बना रहे हैं और प्लानिंग चल रही है, बड़े बड़े राइटरों से बातचीत चल रही है, बहुत जल्दी कपिल कुमार जी अगली फिल्म बनाने वाले हैं और पूरी करेंगे। बहुत बहुत बधाई। आप भी बता दीजिए और चिंतन जी गाना गाएंगे। और सुनिए सर, हाँ जी, हेलो, मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। आज रीओपनिंग हो रहा है पेपिलोन का, और बहुत अच्छा लॉन्च है ये। पहले हम लोग एक फिल्मी पार्टी कर चुके हैं, हमारे किसी एल्बम का लॉन्चिंग था यहाँ पे, और दोबारा यहाँ पे ये रौनक देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी तरफ से ब्लर पेपिलोन का जो रीओपनिंग हुआ है, उनके सब ऑनर्स को, पूरे उनके टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अभी गरबा आ रहा है, क्या क्या प्लान है आपके? हाँ जी, गरबा के बारे में क्या क्या प्लान है? जैसा कि मैं सिंगर हूँ, तो नवरात्रि में हम लोगों का काफ़ी इवेंट्स वगैरह रहते हैं, तो अभी नवरात्रि में मैं भी काफ़ी शोज करने वाली हूँ, और दशहरा में भी जाने वाली हूँ, कुछ इवेंट है मेरे। तो मेरी तरफ से आने वाले जितने भी हमारे त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, नवरात्रि की और दिवाली दशहरा की, आप सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और क्या क्या रनिंग प्रोजेक्ट है आजकल अगर बात करें? मैं आपको बताना चाहूँगी, रिसेंटली मैंने एक गाना बनाया था और लॉन्च किया था, जिसका टाइटल है इश्क की राह पे। तो वो गाने में मेरे साथ में रोशन जी है। हाय, ये ओनर है रोशन जी। अरे कंग्रेचुलेशंस, मैं सिंगर हूँ, रेखा राव। और हम लोग यहाँ पहले एक पार्टी कर चुके हैं फिल्म की, हमारी ब्लू वाटर्स था। हाँ जी, ब्लू वाटर्स। म्यूजिक लॉन्च हुआ था यहाँ पे, काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स आए थे, आज भी मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए साथ में, तो बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा से पूरी रौनक देख करके, और आपने खूबसूरत डेकोर करवाया, बहुत प्यारा। क्या कहना चाहिए, इतने बड़े सिंगर पहुँचे हैं सर आपके यहाँ पर, रोशन जी? मेरे हिसाब से रौनक लोगों से होती है, जगह से नहीं। सो ऐसे ही लोग आते रहेंगे, रौनक बढ़ती जाएगी जगह की। और मेरा ये है कि आप आ जाए, प्लीज आज एंजॉय कीजिए, और आगे भी हम लोग प्लान करेंगे यहाँ पे आते रहने का, क्योंकि मुझे हमेशा ये जगह काफ़ी अट्रैक्ट करती, म्यूजिक, साउंड, खाना काफ़ी अच्छा, आपका पूरा जो अरेंजमेंट है यहाँ पे बहुत अच्छा है, तो बहुत खुशी हुई आज यहाँ पे आकर। गाने की बता रही थी, इश्क की राह पे, उसमें कुमार गौतम ने एक्ट किया है, आज वो भी मेरे साथ में है यहाँ पे, और मेरी कुछ फ्रेंड्स और भी हैं। तो मैं एक आपको मुखड़ा आपको सुनाती हूँ। इश्क की राह पे चलने लगी हूँ, तेरी चाहत में सबरने लगी हूँ, होले होले आहे भरने लगी हूँ, तुझसे मोहब्बत करने लगी हूँ। इश्क की एक अगर मालिका और दुबई टाइम टू ट्रैक अगर इस मौके पर हो जाए, या हाँ जी हाँ जी, जो आपका फेमस जिनसे पहचान बनी है, एक कराओगी? बेसिकली मैं राजस्थान से ही आती हूँ, कोटा की रहने वाली हूँ, तो राजस्थानी रंग हमारा ब्लड में है, तो वो ही बालिका वधू में पूरा सब्जेक्ट था, आप सब लोगों ने देखा वह सीरियल है, तो मुझे भी मौका मिला उसका टाइटल ट्रैक गाने का। छोटी सी सोना जो इतना महंगा हो चुका है और आज मेरे बगल में है, तो वाकई खुशी के मारे मन गदगद हो चुका है,
और कोविड के चलते जो पैकअप हो चुका था अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बार, आज वो ओपन अप हो गया है, तो हम भी आज ओपन होकर के यहाँ आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर? पैपियो पार्क वॉज अ ब्रिलियंट सेटिंग बिफोर एंड आई विश इट ऑल द बेस्ट, और राजकुमार की कंपनी में मैं सोने जैसा फील भी कर रहा हूँ। आज सोने का मन ही नहीं करेगा हमको। अभी जी आप क्या कह रहे हैं? बस मेरे बड़े भाई कह ही दिए हैं, बस ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि जैसे सर ने कहा कि कोविड के बाद जो खुला है दिल, और दिल के साथ ये पब और डिस्को और हमारा जो बार, तो हम बार बार आएंगे इस बार। बार बार लगातार। चलिए थैंक यू सर। थैंक यू सर। नहीं बाकी सारे लोग कैसे हो आप लोग? कैसा लग रहा है मुंबई का वेदर, बारिश? हाँ जी, थैंक यू सो मच। अक्षय भाई क्या कहना चाहेंगे, आज रेस्टोरेंट के लॉन्च पर पहुंचे हैं? बहुत बहुत खुशी मिली एक तो यहाँ आके, ऊपर से हम बताएंगे कि अभी ऐसा मौसम था कि हम लोग आ ही नहीं सकते थे, बट आप लोग का प्यार और यहाँ पे बुलाया गया तो बहुत खुशी मिली इससे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग हम लोगों को। और रनिंग पर क्या क्या है, क्या क्या चल रहा है आपका? तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊंगा कि 20th को हमारा एक गाना आ रहा है। Yes. ठीक है, तो तुझको उस गाने का नाम हाँ, चलो मैं बता देती हूँ, तू मेरा महबूब। तू मेरा महबूब। Yes. और वो बिल्कुल आप लोग प्यार दीजिए, सुनिए उसको, जितना ज्यादा प्यार देंगे उतना अच्छा लगेगा। काफी बड़े बजट की कुछ फिल्में हैं जो आप ब्रीफ करेंगे, बताएंगे कि नहीं, क्या कहना है इसके? हम चाहते थे डिस्क्लोज ना करें, बट चलिए आप इतना पूछ रहे तो हम थोड़ा बता देते, थोड़ा सा बता दे। ये बेसिकली हम शूट कर रहे हैं मॉरिशस में, इसमें बॉलीवुड के बहुत बड़े मतलब वेल नोन OTT के बहुत नोन सेलिब्रिटीज़ है, वो मैं सॉरी डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, आपने समझ सकते। वो अमेजोन मिनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अमेजोन मिनी के लिए है। और एक मराठी मूवी है हमारी जो कि प्राजक्ता माली को हम लेके कर रहे हैं, गौरव मोरे को लेके कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग बजट मराठी फिल्म एज वेल। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अभी करिश्मा जी आपको एक प्रोजेक्ट में लेके आ रही है, क्या है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी क्या कहना चाहोगे? पवन जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी ओनर को, अभी अभी मैं उनको मिली हूँ। ये जगह चले फले फूले, आई विश पीपल टू कम आउट सेलिब्रेट एन्जॉय themselves, बिकॉज इट्स अ नाइस लोकेशन, दे हैव नाइस फूड एंड इट्स अ नाइस प्लेस टू हैव पर्सनल एंड प्राइवेट पार्टीज इन ग्रुप पार्टीज, सो प्लीज कम एंड हैव फन ओवर हियर। पेज थ्री पार्टीज आर जस्ट, वो सिर्फ अपना चेहरा दिखाओ, हेलो आई करो, नमस्ते करो, लोगों से मिलो, अपने दोस्त अपने कलीग से मिलो और फिर घर जाओ। थैंक यू सो मच। कहना चाहूँगा
चाहेंगे। पार्टी में बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया, और आई लव बॉलीवुड और वही चल रहा है और जगह बहुत अच्छा है, सो आई एम हैविंग अ टोटल ब्लास्ट। सेम, बहुत बढ़िया म्यूजिक है, बढ़िया खाना, बढ़िया दारू, मज़ा आ गया आज का। रेशमा बहुत अच्छी पार्टी रखी आपने, हमारी फेवरेट प्लेस बन गई अभी, टोटली थैंक यू। अमेजिंग पार्टी है ये, प्लेस अमेजिंग है, ये लोखंड वाला के एकदम नज़दीक है, एंड दिस इज अमेजिंग प्लेस, वी एंजॉयड अ लॉट ना। यस, आई लव दिस प्लेस। सो आई एम राजवीर सिंह राजपूत एंड शी इज निष्ठा पांडे। बहुत अच्छा लगा, थैंक्स टू मिस्टर सिंह एंड मिस्टर सेट्टी जो उन्होंने इन्वाइट किया हम लोगों को, और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स आए और इतनी अमेजिंग पार्टी, मज़ा आ गया एकदम। पार्टी कितनी एंजॉय करते हैं हम लोग? वेल बहुत इन्जॉय करते हैं यार, हम लोग दिन रात शूट करते रहते हैं एंड उसके बाद आके फिर ये पार्टी करते हैं तो हम लोग को बहुत रिलैक्स लगता है, चिलिंग लगता है, मज़ा आ जाता है, फिर अगली सुबह सो के फिर उठ के जाना है वही शूट पे। कल मेरा 11 बजे कॉल टाइम है एक्चुअली। क्या क्या आपके? अभी मेरी एक वेब सीरीज़ आई है स्केप लाइक हॉट सीरीज पे, हॉट स्टार पे सॉरी, और अभी एक मेरी फिल्म आने वाली है जो मनोज वाजपेयी ने की थी बट उन्होंने छोड़ा और मैंने की है लीड में, मछली फिल्म है जो इसी साल रिलीज होने वाली है। और अभी मैं बालाजी का एक सीरियल कर रही हूँ नेगेटिव लीड, ये दिल मांगे मोर। थैंक यू थैंक यू।